हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल। आप सबका वेलकम है यूट्यूब टैलेंट स्काउट यूट्यूब चैनल पर। आपका सबका वंस अगेन वेलकम्स, मोस्ट वेलकम्स। और जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर इंग्लिश बिगनर्स या इंग्लिश लर्नर्स के लिए न्यू टॉपिक्स, नई ट्रिक्स और नई टेक्निकल के साथ हमको हम प्रेजेंट देते हैं ताकि वो इम्प्रूवमेंट कर सके अपने इंग्लिश की लर्निंग में और बोर्ड क्लासेज एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेज। तो गाइज, एक बार फिर आज एक टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ हम आपके सामने प्रेजेंटेशन है। लेकिन इससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, आपका प्यार इस तरह और मिलता रहे, तो आप जिसने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो गाइस, इससे पहले कि हम आगे हम टॉपिक पर बढ़ते हैं, तो वंस यू सब्सक्राइब द वीडियो एंड कम विथ मी एंड लेट्स ऑन द टॉपिक्स। तो गाइस, टुडे वी लर्न्स अबाउट द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंस एंड द कंपटीशन एग्जाम्स and all board exams, competitive exams. So we learns today about the preposition. So guys, first hum padhte hain preposition. Preposition, we learns about the preposition. Preposition. Preposition, what is the preposition? प्रीपोजिशन क्या है, और इसको समझने से पहले हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि प्री मतलब पहले है, और पोजिशन तो यहाँ पर आप जानते हो, प्री मतलब पहले और पोजिशन स्थिति, तो पहले स्थिति, तो यहाँ पर पहले स्थिति मतलब पहले है किसी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब के पहले आकर ये अपनी स्थिति को फिक्स कर लेता है और उसको उसके वर्ड्स, जो सेंटेंस है या वर्ब है, नाउन है, उसके भावार्थ को फिक्स कर देता है, जिससे कि हम सेंटेंस को बेटर तरीके से अंडरस्टूड कर सके, समझ सके। तो ये प्रीपोजिशन है। अब इसको समझने से पहले कि प्रीपोजिशन का यूजेज कैसे किया जाता है और क्या होता है, तो इसके बारे में हम पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस के माध्यम से, दो सेंटेंस के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा कि व्हाई डू वी लर्न प्रीपोजिशन एंड हाउ डू वी नीड टू प्रीपोजिशन एंड हाउ डू वी यूज द प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर गाइस, हम टू सेंटेंस लिख रहे हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए, Some girls are dancing stage. Guys, यहाँ पर sentence है आपका, simple सा sentence है, some girls are dancing stage. लेकिन अगर मान लीजिए हम इसका हिंदी meanings देखें, तो यहाँ पर लिखा होता है some girls are dancing stage. कुछ लड़कियाँ मंच नाच रही है, कुछ लड़कियाँ मंच नाच रही है। तो हम इसको प्रॉपर तरीके से, इसका जो मीनिंग्स है, अर्थ है, उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए, इसको सही तरीके से हम समझ पाए, इसके लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये वर्ब है, ये नाउन है स्टेज, इसके पहले जो प्रीपोजिशन का यूजेज करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। तो अगर मान लीजिए इस सेंटेंस को हम इस तरह से लिखते हैं, Some girls are dancing stage. Some girls are dancing on the stage. तो यहाँ पर गाइस, ये प्रीपोजिशन है ऑन, जिससे आप इसका अर्थ स्पष्ट हो गया कि कुछ लड़कियां मंच पर नाच रही है, और ऊपर वाले सेंटेंस में इसका अर्थ था कुछ लड़कियां मंच नाच रही है, तो इसमें हम नहीं समझ पा रहे थे कि इसमें उपयोग किसका, मतलब क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से समझ गए इस प्रीपोजिशन लगाने से कि ये स्टेज पर नाच रही है।
ओके गाइस, तो आप समझ सकते हो, जैसे सेकंड एग्जांपल हमने द कैट जंप्ड वाटर टैंक। तो गाइस यहां पर देखो, यहां पर हमने प्रीपोजिशन के लिए ब्रेक छोड़ दिया, द कैट जंप्ड वाटर टैंक। अगर इस सेंटेंस का मीनिंग निकाले तो द कैट जंप्ड, बिल्ली कूद गई वाटर टैंक, बिल्ली वाटर टैंक में, पानी के टैंक में कूद गई, पानी टैंक कूद गई। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग्स है हम प्रॉपर तरीके से अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। लेकिन अगर इस सेंटेंस को अगर इस तरह से लिखा जाता कि द कैट जंप्ड इनटू द वाटर टैंक, तो यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से गाइस समझ गए कि जो बिल्ली थी वो पानी के टैंक में जंप लगा दिया, उसने कूद गई। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है इंटो, इससे हम स्पष्ट रूप से समझ गए कि ये जो सेंटेंस है उसके जो मीनिंग से भावार्थ है हम उसको स्पष्ट रूप से समझ गए। लेकिन गाइस अगर क्या होता है कि प्रीपोजिशन का हम प्रयुक्त नहीं करते हैं तो सेंटेंस का जो मीनिंग्स होता है हम नहीं समझ पाते, और सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पाते, सेंटेंस का भावार्थ हमारे समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से किसी यहाँ पर जो वर्ड है स्टेज है और यह टैंक वाटर टैंक है, इसके जो भावार्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रीपोजिशन का यूजेज किया गया है। तो गाइस हम आगे समझे, इससे पहले थोड़े ये समझ लेते हैं यहाँ पर कि प्रीपोजिशन जो उपयोग किया जाता है वो प्रीपोजिशन होते क्या है, कितने होते हैं, तो इसके बारे में हम गाइस बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि प्रीपोजिशन तो देयर आर मेनी काइंड प्रीपोजिशन। तो चलो पहले हम प्रीपोजिशन के काइंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो गाइस, एट एट इन इनटू एट इन इनटू फ्रॉम ऑफ फॉर ऑन ऑन टू अपॉन अप down under about through below above between among above for between among after before etc। तो गाइस इस तरह से हम देख सकते हैं मेनी काइंड्स प्रीपोजिशन वी आर यूजेज। अब मान लीजिए इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, एज साइड होता है, बिटवीन होता है, बिटवीन होता है, फॉर होता है, या टुवर्ड होता है, जैसे मान लीजिए और भी बहुत सारे हैं जो हम उनका प्रयोग करते हैं।
तो बहुत सारे हैं डीसी हमने इंक्लूड किया। तो गाइस यहाँ पर देख रहे हो इस तरीके की जो प्रीपोजिशन है यहाँ पर एट एंटो ऑटो फॉर फॉर ऑफ ऑन ऑफ अप ऑफ यहाँ डब्लो ऑफ इस तरह के बहुत सारे प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज की जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रीपोजिशन आपके सामने लिखा हुआ है बिटवीन अमाउंट आफ्टर बिफोर टुवर्ड द बेलो अबो अंडर अंडर अबो ओवर इस तरह के जो प्रीपोजिशन है इनका हम यूजेज कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो गाइस ये प्रीपोजिशन है इनका उपयोग हम किस तरह से करते हैं अभी सेंटेंस में आपको बताया था, तो हम इस पर डिस्कशन करने चाहेंगे कि इनका उपयोग कैसे करते हैं और किस तरह से इनका उपयोग किया जाता है। और जैसा कि मैंने अभी सेंटेंस के माध्यम से बताया था किसी नॉन प्रोनाउन वर्ब के पहले इसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इनके अर्थ आप समझ सकते हो। एट का प्रयोग पर के लिए किया जाता है, इनका प्रयोग मे के लिए किया जाता है, एट टू का प्रयोग भी मे के लिए किया जाता है लेकिन किसी वस्तु के गति के रूप में किया जाता है। यहाँ पर जो फ्रॉम का प्रयोग से ये जो फ्रॉम है इसका प्रयोग से के लिए किया जाता है, आप ऑफ का प्रयोग काके की जो ऑफ है इसका प्रयोग काके के लिए किया जाता है, और फॉर का प्रयोग के लिए, ऑन का प्रयोग ऊपर के लिए, ऑन टू के लिए ऊपर गति के साथ आना, अपॉन के लिए भी ऊपर गति के साथ, अप में ऊपर, डाउन में नीचे, अंडर में नीचे, और अबाउट में इसके बारे में, थ्रो में किसी गिरे हुए क्षेत्र से अंदर जाना, बेलो में नीचे, अबो में ऊपर, फॉर में बाद में दूर, बिटवीन में बीच में, हम बीच में, आफ्टर बाद में, फोर मिस पहले, टुवर्ड में आगे, ऑफ मिस कट ऑफ करना, विच्छेदन करना, इस तरह से मैंने प्रीपोजिशन है इनके उपयोग किए जाते हैं और उनके अलग अलग भागों में उसके अलग उपयोग किए जाते हैं। तो पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं और किस तरह से इनको हम समझते हैं। तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक यहाँ आपके सामने ये बॉक्स, ये एक तरह का किसी टाइप का बॉक्स मान लो या फील्ड है, आप इसको क्या कह सकते हो, थिंग, क्या कह सकते हो गाइस, थिंग, ये एक तरह की थिंक है, क्या थिंक है, ये जो फील्ड है, ये एरिया है, थिंग्स है। तो मैं अब गाइस आपको प्रीपोजिशन समझाना चाहता हूँ उसके माध्यम से कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं और किस तरह से यूजेज किए जाते हैं। तो गाइस जैसे अभी प्रीपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा, तो जैसे मान लीजिए प्रीपोजिशन क्या होते हैं और किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे समझेंगे। तो ये थिंग्स है आपके सामने और इस थिंग्स का उपयोग किस तरह से किया जाता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो गाइस अगर मान लीजिए ये जो आप मान सकते हो जैसे गार्डन, फील्ड या कोई भी घिरा हुआ क्षेत्र, मार्केट या कुछ भी बड़ा थिंग्स, कोई भी बिल्डिंग्स है या ऐसी चीज कोई भी मान सकते हो जिसे नाउंस होता है उसके है। अब प्रीपोजिशन का उपयोग कैसे किया जाता है, तो गाइस जी अगर मान लीजिए कोई चीज इस फील्ड के अंदर है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, अंदर, जैसे इसके अंदर है, अंदर अंदर है तो इसके लिए गाइस किसका प्रयोग किया हो जाएगा, इनका प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग, इनका प्रयोग। तो गाइस किसी वस्तु के अंदर होना पर, किसी वस्तु के अंदर होने पर किसका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। अंदर है तो इनका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए गाइस कोई वस्तु पहले यहाँ थी और यहाँ से वो अंदर जाती है तो उसके लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है, पहले यहाँ पर थी वो और अब यहाँ पर जा रही है, इसके ऊपर, इसके अंदर जा रही है तो इनटू का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर होती है गाइस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग होगा, और अगर मान लीजिए पहले कोई वस्तु यहाँ पर थी और यहाँ से यहाँ आती है, ऊपर आती है, किसी वस्तु के ऊपर आती है तो उसके लिए ऑन टू या अप ऑन का प्रयोग किया जाता है। ओके गाइस, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अगर मान लीजिए कोई वस्तु साइड में है, जैसे मान लीजिए एस साइड यहाँ पर मतलब बगल में है किसी वस्तु के लिए, बगल में जैसी वस्तु है और उसके बगल में है तो एस साइड का प्रयोग करेंगे। अगर गाइस हम यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ से चल रहे हैं और लगातार इसको हम लगातार चलते जा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे अलोंग,
क्योंकि ये जो वस्तु है इसके जो किनारा है, जिससे मान लीजिए फील्ड हो सकता है, गार्डन हो सकता है, रोड हो सकता है, एनीथिंग कोई भी चीज़ हो सकती है, जिसे रोड मान लीजिए। अब रोड के किनारे किनारे हम जा रहे हैं तो उसका प्रयोग अलोंग होगा। अब कई जैसे मान लीजिए ये चीज़ है और इसके हम यहाँ पर इससे पार यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर थे हम और इसको पार करते हुए हम जाना चाहते हैं, इसको पार करते हुए हम जाना चाहते हैं, तो ये गाइस इसका प्रयोग होगा अक्रॉस के लिए। किसके लिए प्रयोग होगा? अक्रॉस के लिए इसका प्रयोग होगा, अक्रॉस के लिए इसका प्रयोग होगा। अब अगर मान लीजिए गाइस हम यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर है और यहाँ से हम जाना चाहते हैं इधर इस थिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसका उपयोग टुवार्ड्स, क्योंकि हम इसकी तरफ जा रहे हैं तो इसके लिए टुवार्ड्स का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? टुवार्ड का प्रयोग होगा। अगर मान लीजिए एग्जैक्टली हम इस वस्तु के पास में, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है और इसके पास में है, हम इसके पास में हैं या मतलब इसके अंदर है या इसके गेट पर है या इस बिल्डिंग के अंदर है, तो इसके लिए गाइस प्रयोग होगा एट का। अगर मान लीजिए इसके किनारे पर इसके लगते हुए हम बैठे हुए हैं, इसके पास में इसके किनारे पर लगते हुए बैठे हुए हैं, तो बाई का प्रयोग होगा। अगर मान लीजिए गाइस हम जैसे मान लीजिए इसके ये जो वस्तु है, इस वस्तु के बीच में यहाँ पर कुछ गैप है, क्या कुछ गैप है, अब ये चारों तरफ से गिरा हुआ है, कुछ गैप है यहाँ पर और यहाँ से हम जा रहे हैं तो इसके लिए होगा थ्रो। थ्रो इसके लिए थ्रो का प्रयोग होगा। तो गाइस हम ये समझ सकते हैं, इस तरह से हम एक वन थिंग्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम पहले यहाँ पर थे और यहाँ से हम कहीं जा रहे हैं, जैसे हमें कहीं जाना है, तो जैसे मान लीजिए ये जयपुर है या कोई दूसरा स्थान है और ये यहाँ पर एक स्थान है पहले थिंग्स है, यहाँ से हम दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इसके लिए आएगा फ्रॉम। अगर गाइस हम किसी स्थान से दूसरे स्थान पर, यहाँ से किसी स्थान पर आ रहे हैं, तो इसके लिए प्रयोग होगा टू। तो गाइस इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बहुत सारा, अगर मान लीजिए इस वस्तु पर अब अंडर कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इसके नीचे यहाँ पर ये क्षेत्र है और इसके नीचे यहाँ पर है, तो अंडर होगा, ठीक है गाइस, क्या होगा? अंडर होगा, बस इसके नीचे है तो अंडर होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ फिर इसके लिए डाउन, ये डाउन हो गया और यहाँ फिर वेलो, किसी भी के नीचे होना वेलो, यहाँ पर अगर मान लीजिए ऊपर है तो अबो, लेकिन यहाँ पर थोड़े गैप होता है, यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, एक अबो होता है। और अगर मान लीजिए इसकी जो ऊंचाई है या उसकी लिमिट नहीं है तो और। तो गाइज आप ये इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत सारा है मैटर्स है, तो ये प्रीपोजिशन के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं। अब केवल मैं आपके सामने ये प्रयोग करना बताने वाला हूँ, और लेकिन हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्स काफ़ी लॉन्ग होता जा रहा है, इसलिए आज हम इस पर यहाँ पर ही इसको फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपके हम आपके न्यू टॉपिक्स लेकर आएंगे, इसके एक्सरसाइज लेके आएंगे और फिर हम टाइम्स पैलेस और कैलेंडर्स के बारे में जानेंगे। तो गाइस एक बार फिर मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल बटन पर
क्लिक कर दे ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। और आपको जो प्रीपोजिशन के बारे में अगर हम नहीं समझ पा रहे कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप क्लिक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और किस समस्या का जहाँ तक है वहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम जो प्रीपोजिशन का लेकर आ रहे हैं आपके उसके बाद में, उसमें हम आपकी प्रॉब्लम समस्या का सॉल्व कर देंगे, या वहाँ पर फिर आपसे एक बार फिर डिस्कशन इस पर हम कर सकते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। तो ओके गाइज, वेलकम वंस अगेन्स टू, थैंक्स फॉर टू यू ऑल। ओके।